सर्वेषां कृते सुप्रभातम्। तो आज हम एक नए प्रकरण को लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं संस्कृत के, और ये जो प्रकरण है इसका नाम है संस्कृत गणना। ये चतुर्थ से लेकर दशम तक का प्रयोग होती है, तो इसको अपनी अपनी कॉपी पर समझकर इसको नोट जरूर करें। अभी ये संस्कृत गणना है, एक नए तरीके से आपको समझाई जाएगी, तो विशेष रूप से देखें, ध्यान से देखें। तो सबसे पहले हमारा जरूरी होता है दो दो नियम। एक ये वाला पार्ट हो गया पार्ट वन और पार्ट टू, इन्हीं से आपकी 100 तक गणना जो पूरी हो जाएगी। अभी देख सकते हैं आपको 1 से लेकर 9 तक गणना आनी ही चाहिए। जैसे 1 को संस्कृत में बोलते हैं एक, एक। 2 को द्वे, द्वे बोलते हैं, अर्थात स्त्रीलिंग या नपुंसक लिंग में, परंतु दो आता है पुल्लिंग में। और आपने जो विशेष रूप पर नोट रखना है, जो ध्यान रखना है, वो है द्वा, क्योंकि जब ये हम गणना बनाएंगे आगे की संख्याएं बनाएंगे उसमें द्वा का ध्यान रखना है। आगे है 3 को बोलते हैं त्रय, और इसको त्रय तीसर त्रीणी, परंतु आपने त्रय ही ध्यान रखना है। आगे है 4, 4 को चतुर् ध्यान रखना है, वैसे इसको चतुर्वारी बोलते हैं नपुंसक लिंग में, चतुर्वारा बोलते हैं पुल्लिंग में, और चतुस्र बोलते हैं स्त्रीलिंग में, परंतु आपने चतुर् ध्यान रखना है। आगे है 5, क्योंकि 4 तक 1 से लेकर जो 4 तक जो संख्याएं होती है वो पुल्लिंग स्त्रीलिंग और नपुंसक तीनों में चलती हैं, परंतु उसके आगे कोई इसका व्यवधान नहीं होता है। 5 को पंच बोलते हैं, और 6 को षड्, 7 को सप्त, 8 को अष्ट, और 9 को नव। इसको विशेष रूप से आप याद भी कर लें और अपनी कॉपी पर लिख भी लें। अभी जो हमारा दूसरा भाग है उसकी तरफ देखते हैं। अभी ये आ गया 10 20, ये वाला। तो 10 को संस्कृत में बोलते हैं दश, 20 को बोलते हैं विंशति, 30 को बोलते हैं संस्कृत में त्रिंशत्, 40 को चत्वारिंशत्, 50 को पंचाशत्, 60 को षष्ठी, और 70 को सप्तती, 80 को अशीति, 90 को नवति, और 100 को शतम्। तो बिल्कुल ध्यान से इसको लिख लें ताकि इसमें कोई गलती ना रहे। अब हम इन दोनों की सहायता से, इन दोनों भागों की सहायता से हम अब जानेंगे आगे की संख्याएं हम कैसे बनाएंगे। जी अब ये है 49, जिसको हम अंग्रेजी भाषा में जिसको हम 49 बोलते हैं। तो 49 की गणना कैसे बनेगी, अर्थात ये हम कैसे बनाएंगे, इसको आप देखेंगे अभी। जैसे अभी देखेंगे 49, आप एक सिंपल सा तरीका याद रखना है, जो दूसरा अंक है उसकी जगह पर आपने 0 लिख देना है, 0 लिख दिया बस, ठीक है जी। अब 40 में कितने जगह मिल जाएगी 49 हो जाए, तो आप सबका उत्तर होगा, आप सभी जानते हैं, जब हम इसमें 9 दिए जाएंगे तो 40 और 9 तो ये 49 बन जाएगा। अब एक चीज और ध्यान देने की, क्योंकि मैथ वाली चीज यहाँ पर आ रही है, इन दोनों में छोटी संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटी जो संख्या है वो है 9। ये जो आप देख रहे हैं इन दोनों में छोटी संख्या आ गई 9, और बड़ी संख्या आ गई 40। अभी 9 ये जो आपने देख रहे हैं, आपने पढ़ा पहले जो भाग था हमारा उसमें हमने पढ़ा 9 को बोलते हैं संस्कृत में नव, 9 को बोलते हैं नव, और वैसे ही क्या है 40। तो दूसरा हमारा जो भाग है उसमें अगर आप देखेंगे 40 को संस्कृत में क्या बोलते हैं, तो आता था चत्वारिंशत्, चत्वारिंशत्। तो इसी प्रकार से आपके बन गया नवचत्वारिंशत्। 49 को जो संस्कृत में बोलेंगे वो है आपका नवचत्वारिंशत्। एक उदाहरण और कर लेते हैं, बिल्कुल वही तरीका आपका रहेगा, बड़ी से बड़ी संख्या पर हम चलते हैं। जैसे आपका आगे 75, ऐसे मैंने आपको बताया तरीका कि दूसरे अंक को क्या आप 0 लिख रहे हैं बस, और 70 में कितने जगह आएंगे 75 हो जाए, तो ये होते हैं 5 जगह कर दिए, ठीक है जी। तो अभी आप देखेंगे इन दोनों में से छोटी संख्या आ रही है 5, 5 छोटी आ रही है और 70 बड़ी आ रही है, तो
तो इसी प्रकार से